हर सिंगोसार के अपराध मौजूद थे। हबीब इब्ने मजाहिर जैसे बूढ़े मुस्लिम और सजा जैसे ज़ईफ, जिनके बारे में ये बतलाया जाता है कि उनके भवें और पलके तक सुखायत हो चुकी थी, कमर समीदा थी, वो अपनी कमर में पटका बांधकर नौजवानों की तरह शौफ़ शुजात में हुसैन पर निशान हुए। अब्बास जैसे जवान भी थे, अली अकबर जैसे कड़िया जवान भी थे, नौ निहालों में खासिम इब्ने हसन जैसे भी थे, कमसिन बच्चों में आनु मोहम्मद जैसे थे। हद ये हो गई कि शेष माह अली असगर भी मौजूद था, जो हुसैन पर निसार होना चाहता था। इन बातों के अलावा एक सबसे बड़ी खसूसियत ये रही कि करबला के मैदान में पंजतन की पूरी निशानियां मौजूद थी। अली अकबर जिन्हें शबीह रसूल कहा जाता है, जो हम शक्ल मुस्तफ़ा कहा जाता है, जो हम शबीह पैगंबर कहा जाता है, जब अली अकबर रुखसत हो रहे थे तो हुसैन ने एक जुमला कहा था कि परवरदिगार गवाह रहना, अब वो नौजवान जा रहा है जिसकी शक्ल सूरत तेरे रसूल के मुताबिक थी, जिसकी रफ्तार गुफ्तार अंदाज तेवर सब कुछ रसूल की तरह थे। अगर हम बनी हाशिम चाहते कि ज़ियारत रसूल करें तो इस नौजवान को देख लेते। जनाब फातिमा तो मौजूद नहीं थी, फातिमा जहरा तो नहीं थी, लेकिन सानिये जहरा मौजूद थी, जो करबला की शेर दिल खातून के नाम से जानी गई, जो उम्मुल मसायब कहलाई। जनाब जैनब मौजूद थी और अली की तमन्ना अब्बास के नाम से जानी जाती है। अब्बास जैसे जली थे और हद हो गई कि नौजवान अली अकबर और मोहम्मद जनाब खासिम के ताल्लुक से, इब्ने हसन के ताल्लुक से ये है कि मरसिये में आपने सुना कि जनाब अमीर थे खासिम, हम शक्ल जनाब अमीर थे, उनको देखकर अली याद आ जाते थे और शीरी जबान ऐसी थी कि इमाम हसन याद आ जाते थे। ये सब नशानियाँ करबला में मौजूद थी। अब इंसाफ से कहिए कि यजीदियत ने सिर्फ हुसैन को हासिल किया, पंजतन पर अल्लाह अल्लाह, आज जो मातम हो रहा है ना, तो नौशाह करबला एक शब के दुल्हा का मातम है, वो खबा का मातम है। तारीख करबला ये बताती है कि किसी शहीद को उतनी मुश्किलें पेश नहीं आई जितना खासिम को पेश आई। बार बार इमाम की खिदमत में जाकर चचा जा, मेरे मोहम्मद चले गए, मुझे भी इजाजत दीजिए। हुसैन रो बेटा, तुम रुको, सब्र करो, बेचैन हो, फिर वापस हो जाते। ये मंजर खैमे का पर्दा हटा कर देख रही थी, पूछ रही थी फिजा से, बताओ मैं सिला है, कहा कि यतीम हसन बेचैन है, इजाजत नहीं मिल रही है। ये सुनना था कि बरबार रोने लगी, बहुत रोने की आवाज आने लगी, गिरिया बजारी करने लगी। हुसैन ने जब आवाज सुनी बीबी की तो खैमे की तरफ बढ़े, उधर हुसैन खैमे की तरफ बढ़े, उधर खासिम गोशे की तरफ बढ़े, वहां बैठ कर सोचने लगे। मुसीबत का बात है, हुसैन
रो रहा है, कौन रो रहा है? तो किसी ने कहा मां हसन की बेबाक हो गई है। जब देखा हुसैन को आते हुए तो कहा इब्ने रसूल अल्लाह मैं बेशक तुम्हारी भाभी हूँ, मगर तुम ये बताओ तो मैं अगर आले रसूल से नहीं हूँ तो क्या ये हो रहा? क्या आप नहीं चाहते मैं भी फातिमा जहरा के सामने शुरू हूँ? ये यतीम है, ये मैं बेवा हूँ, मेरा हत्या हो चुकी है, बेचैन परेशान कि क्या करूँ क्या ना करूँ। अचानक उन्हें ख्याल आया कि बाबा ने वसीयत की थी कि बेटा हासिम जब कोई अम्र अजीम मुसीबत तुम्हारे सामने आ जाए, कुछ सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाए, तो उस वक्त अपने बाजू में जो तावीज बनी है उसे खोल देना। ये ख्याल का जहन में आया था कि जनाब हासिम ने वो तावीज को खोला, बाप की तहरीर को पढ़ा, चेहरे का रंग बदलने लगा, खुशी से चमचमाहट आने लगी और सीधा सीधा दौड़ते हुए चचा की खिदमत में पहुंचे। मौला हुसैन चचा मुलाहिजा फरमाइए। हुसैन ने भाई की तहरीर देखी, आंखों से लगाया, होठों से बोसा दिया। भाई की तहरीर थी, लिखा था कि हासिम दुआओं के बाद देखो मैं कर्बला में तुम्हारा रहूंगा, मगर तुम अपनी जान को अजीज न करना, मेरी तरफ से हुसैन पर कुर्बान हो जाना, ये मेरी वसीयत है। अजीब वसीयत थी। हुसैन ने देखा चूमा रख लिया और हासिम को गले लगाकर तारीफ बताती है कि बिना इतना रोए कि बेहोश हो गए। मैं कहूँगा कि हुसैन की इजाजत क्यों नहीं दे रहे थे, इसलिए इजाजत नहीं दे रहे थे कि बैत वक्त हासिम को देखकर अली भी आ जाते और भाई हसन भी आ जाते। फिर हुसैन ने कहा कि बेटा तुम्हारे लिए ये वसीयत है तो हुसैन के लिए भी हसन की वसीयत है, आओ मैं कुमरा का बना दूं। बयान नहीं कर सकता कि किस तरह जनाब हासिम जनाब कुबरा से रुख्सत हुए होंगे, क्या मंजर होगा। मगर जब जनाब हासिम मैदान में गए तो तारीख के जुमले हैं कि ऐसा रजस पड़ा कि शायद ही कोई नौनिहाल पड़ता हो। कहा कि जिस जो अपनी जिंदगी से बेजार है वो मेरे मुखातिब पर आए, मैं अली का पोता हूँ, मैं हाशमी लड़का हूँ, आओ। जब ये ऐलान ये रस भरा गया तो पिछड़े साथ की तरफ से कई पहलवान आए, हर एक को जहन्नुम रसीद किए और लड़ते चले तो आवाज आई कि एक एक अगर भेजते जाओगे तो पूरी फौज खत्म हो जाएगी। अरे बनी हाशिम का लड़का है या पास कर तैयार करना सिपाही है, इसे चारों तरफ से घेर लो। अब तीर तलवार खंजर जो जो था हमले करते चले और एक दर्द ऐसी पड़ी कि समझा ना गया। आवाज दी के चचा मेरी मदद को आइए,